नमस्ते, मैं मधु और आज मैं एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ कि यूनियन क्यों ज़रूरत है ट्विन फ्लेम के साथ। राइट, कि हम तो ट्विन फ्लेम से मिले, अपना अवेकनिंग हुआ और एक ग्रेटर नॉलेज मिला कि भगवान के साथ हम किस तरह से कनेक्टेड हैं, लव के साथ कितना हम कनेक्टेड हैं। राइट, ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हमको पता चला कि जब हम सेपरेशन के थ्रू गए, वो एक्चुअली फेस था जहाँ पे हम गॉड के और करीब गए। तो फिर यूनियन क्यों ज़रूरी होता है? राइट, तो एक फंडामेंटल रिविजन कि ट्विन फ्लेम की सच्चाई क्या है। तो ट्विन फ्लेम की सच्चाई ये होता है कि जब आप क्रिएट होते हो, राइट, कि जब आपको भगवान ने बनाया, जब आप मतलब बिगिनिंग, जब आपका सोल क्रिएट होता है यूनिवर्स के एनर्जी में से, जब आपका सोल क्रिएट होता है कोई एक पर्पस के साथ, तो उसी टाइम पे ही आपके ट्विन फ्लेम भी क्रिएट होते हैं। आप दोनों एक ही साथ क्रिएट होते हो, तो इसलिए आप दोनों ऑलरेडी सोल लेवल पे एक ही हो। राइट, सिर्फ ये होता है कि आप लाइफ आफ्टर लाइफ एक दूसरे के साथ कभी रहे होंगे, लाइफ पर्पस भी किए ही होंगे, और फिर कुछ सेपरेशन चॉइसेस की वजह से अलग हो गए हैं। और जब आप अभी इस लाइफ टाइम में एक दूसरे के साथ फिर से मिले, फिर से वो लव अवेकन होता है। राइट, इसलिए आप इतना सारा प्यार अपने ट्विन फ्लेम के लिए फील करते हो, चाहे वो आपके साथ कैसे भी ट्रीट करे, बहुत सारे ट्रिगर करे, बहुत सारा अपसेटिंग सिचुएशन लेके आए, लेकिन जो दिल के गहराई में अगर जब भी आप जाके देखते हो तो ऐसा लगता है कि अब भी प्यार ही रहता है। राइट, थोड़ा सा ट्रिगर जैसे ही हील हो जाता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आज हो गया कुछ ट्रिगर तो आज मेरा पूरा रिश्ता ख़त्म ट्विन फ्लेम के साथ, कल से मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। और देखो, दूसरे दिन ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली, मतलब हम सब छोड़ के चले गए, फिर भी ऑटोमेटिकली वो वापस आता है कि मतलब नहीं, मतलब पता नहीं वापस आ गया ये फिर से। तो ये एक यूनिक एहसास होता है जो आप सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम के लिए ही फील करते हो। तो ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आपके दिल के हिस्से हैं और आपके आत्मा के हिस्से हैं, तो इसी की वजह से कि आपका चॉइस है कि आप उनको चूज़ करोगे कि नहीं चूज़ करोगे। क्योंकि गॉड कभी भी आपके विल पावर के, आपके चॉइस के बिना कुछ भी नहीं करेंगे आपके साथ। गॉड ने हमको क्रिएट किया, लेकिन गॉड कभी भी हमको कंट्रोल नहीं करते हैं। राइट, कभी भी गॉड आपको देखोगे कंट्रोल नहीं करेंगे। जब जो भी आप चूज़ करते हो, ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिल रहा है या मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो सच नहीं है। पनिशमेंट सच नहीं होता है, जो आपके लाइफ में भी हो रहा है वो आपके चॉइसेस के रिजल्ट्स होते हैं। जब आप डीप में हीलिंग करोगे तो आप उस चॉइस को कनेक्ट कर पाओगे कि कहाँ पे मैंने वो चूज़ किया है। राइट, कभी कभी होता है कि आप इसी लाइफ में चूज़ किए हो, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो एक मिस अलाइंड चॉइस है जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो सिर्फ इतना रहता है कि जब आप इनर वर्क करते हो तो वो चॉइस क्लियरली दिखता है, और फिर वहाँ पे आप एक नया चॉइस करते हो कि हाँ, यहाँ से मैं अपना लाइफ या अपना प्रोग्रामिंग को स्टॉप करके मैं एक नया चॉइस करता हूँ। तो जैसे ही आप नया चूज़ करते हो तो यूनिवर्स फिर उसी डायरेक्शन में, उसी चॉइस को फुलफिल करने के लिए एनर्जीज या सिचुएशन आपकी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है आपके ट्विन फ्लेम जो हैं के, एक आपको कंप्लीट सेंस देते हैं कि जब आप बोलते हो कि यूनियन, मतलब मास्कुलाइन और फेमिनाइन जब यूनियन में आते हैं तो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस रहता है, बोलते हैं ना कि कंप्लीट फुलफिलमेंट, तो वो आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक्सपीरियंस होता है। राइट, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने जब यही चूज़ किया है कि आप धरती पे मिलोगे, इस पृथ्वी पे मिलोगे, राइट, तो ऐसा रहता है कि पृथ्वी हो सकता है आपका पहला प्लैनेट ना हो। राइट, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे प्लैनेट में साइंटिफिकली ह्यूमन लाइफ है, बट ये होता है कि एनर्जेटिकली आप दूसरे प्लैनेट्स में आपके जर्नी कंप्लीट करते हो, ताकि उस प्लैनेट का जो एनर्जी है आप उसको एम्बॉडी कर सको। तो इसीलिए आपके अगर आप देखोगे एस्ट्रोलॉजी, जो डोमिनेंसी रहता है वो उसी से होता है कि अगर आप किसी प्लैनेट से डोमिनेटिंगली एनर्जी
या डोमिनेटिंग जर्नी करते हो, तो वो उसके स्ट्रेंथ आप में रहता है नेचुरली, और उसके बेनिफिट आपको मिलता रहता है। और इसी को लोग बोलते हैं कि उसके ग्रह बहुत स्ट्रांग है इसलिए वो लकी है। नहीं, उसको ऐसे ही नहीं मिले हैं, उस इंसान ने कभी ना कभी अपने में वो ग्रोथ लाना चाहता होगा, तो उसने ही सोल लेवल पे उस प्लैनेट को चूज़ किया। आप वो कम्प्लीटली चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से एसेंस अच्छे लगते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या आपको अच्छा लगता है मन से, और आप वो चूज़ करते हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं ये अपने लिए एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, इसलिए इसका फुलफिलमेंट मुझे इस प्लैनेट में मिल सकता है, तो फिर आप उसी प्लैनेट को चूज़ करते हो आने के लिए। तो अगर आप देखोगे कि अभी आप जैसे पृथ्वी पे हो, तो पृथ्वी के नेचर क्या है, वो पृथ्वी का एनर्जी क्या है, उसको देखो। पृथ्वी का एनर्जी होता है स्टेबिलिटी, पृथ्वी का एनर्जी होता है मटेरियलिस्टिक, राइट। इस पृथ्वी में अगर देखोगे कि मटेरियल ग्रोथ के पहले, अगर 20-25 साल पहले भी आप चले जाओगे, तब का टेक्नोलॉजी और अभी के टेक्नोलॉजी में कितने इम्प्रूवमेंट हुए हैं, राइट। तो वो एक्चुअली किस तरह से हुए, वो जो इंटेलेक्ट का ग्रोथ होता है, राइट, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो वो एक इंटेलेक्चुअल फुलफिलमेंट भी एक इंसान का डिज़ायर होता है कि हाँ मैं इंटेलेक्चुअली ये सब परस्यू करना चाहता हूँ, तो फिर आपको फिर उस एनर्जी को यहाँ पे मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। या तो फिर जैसे ग्राउंडिंग करना, मतलब पृथ्वी का सबसे बड़ा नेचर होता है कि ग्राउंडिंग, कि मतलब पूरा आप एकदम से स्टेबल रहो, वो जो बोलते हैं ना कि सांसारिक जीवन का एक्सपीरियंस लेना, तो वो आप पृथ्वी पे ले सकते हो। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम एक दूसरे को जब चूज़ करते हैं पृथ्वी पे, तो इनका कोर डिज़ायर रहता है कि एक सांसारिक लाइफ जिए पृथ्वी में, और उसी सांसारिक जीवन से ही किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को एम्बॉडी कर सकते हैं, वो इस पृथ्वी को वो दिखाना उनका पर्पस रहता है। कि हमेशा हम आज तक ये बिलीव करते आए हैं कि मतलब आप अगर प्यार चूज करते हो या सेक्स चूज़ करते हो या पैसा चूज़ करते हो, तो फिर वो भगवान का रास्ता नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आप बहुत ग्रीडी हो, मतलब लालची हो या लोभी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। सच ये है कि आप जैसे ट्विन फ्लेम हैं, तो वो एक्चुअली इसी धरती पे ही स्पिरिचुअलिटी और मैटेरियलिस्टिक, इस तरह इन दोनों में किस तरह से हार्मोनी लाए, वो सबसे बड़ा पर्पस है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है पृथ्वी का थ्रू ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, वो सबसे बड़ा हाईएस्ट पर्पस यही है। कि अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशन भी देखो, कि जो फेमिनिन होते हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, वो अपने इनर वर्क में मतलब डेडिकेटेड रहते हैं, और वो अपने कनेक्शन रिलेटेड टू गॉड, लव, नर्चरिंग, ये उनके एसेंस होते हैं। तो फिर अगर आप देखोगे उनके मास्कुलाइन, तो मास्कुलाइन डोमिनेटिंगली मटेरियलिस्टिक रहेंगे, और उनका नेचर रहेगा लाइफ में किस तरह से एक्सपैंड करे, नेटवर्क कैसे करे, दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करे, तो ये उनके एसेंस रहेंगे, या एक्शन में कैसे इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम, राइट, तो ये मास्कुलाइन के एसेंस रहते हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन होता है कि फेमिनाइन का स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक, और इन दोनों में हार्मनी, कि जब फेमिनाइन देखती है कि वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी गॉड हैं, और वो मास्कुलाइन देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल लाइफ में भी मटेरियलिज्म इंक्लूडेड है, राइट, तो ये दोनों का जब बैलेंस होता है, तो ये एक नया लाइफ क्रिएट होता है। हो सकता है कि अभी तक हमने ये लाइफ को रियलिटी में बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, और ये धीरे धीरे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ा एग्जांपल अभी अगर हम देखें, तो जेफिन शिलिया है, जो उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि किस तरह से आप गॉड के साथ रह के भी बहुत रिच हो सकते हो और बहुत अच्छी तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ जी सकते हो। लेकिन वो ये करते हैं कि गॉड को पहले पूछते हैं कि अगर ये मुझे मटेरियल लेना है तो वो मटेरियल क्या होना चाहिए। इवन मुझे वो अगर कार लेना है, तो वो गॉड को पूछ के लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे इंसान का गाड़ी अच्छा है तो उसके कंपैरिजन में मुझे ये गाड़ी चाहिए, नहीं, वो अपने दिल में गॉड को पूछते हैं कि कौन सा गाड़ी लेने से मुझे अच्छा लगेगा, राइट। तो ये डिफरेंस होता है ट्विन फ्लेम यूनियन के बाद लाइफ
और जो इंक्लूड करता है स्पिरिचुअलिटी आपके रियल लाइफ में, राइट। तो वो लाइफ अगर आपको परस्यू करना है, कि अगर सच में आपके दिल में वो डिज़ायर है कि जहाँ पे आपके पास आपका ट्रू लव है और आप एक्चुअली एक वो फैमिली लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हो जो गॉड के बेस पे होता है, और सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आप इन्जॉय करना चाहते हो गॉड एक्चुअली आपके थ्रू उसको इन्जॉय करेंगे, राइट। क्योंकि हर एक मटेरियल जब भी डिस्कवर हुआ है वो कहीं ना कहीं एक आइडिया से जनरेट हुआ है, कहीं ना कहीं वो इंटेलेक्ट से जनरेट हुआ है, राइट। तो हर एक मटेरियल भी गॉड का क्रिएशन है ना। ऐसा मत सोचिए कि इंसान ने क्रिएट किया है, नहीं, इंसान को पहले वो आइडिया आते हैं, राइट, और फिर वो क्रिएशन होता है। तो हर एक क्रिएशन के पीछे भगवान है। तो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए अगर आपके मन में कोई भी हिचकिचाहट या कोई भी द्वेष है तो उसको रिलीज़ करिए। सभी चीज़ों में भगवान को देखना स्टार्ट करिए, तो आपको बहुत नेचुरली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना हो जाएगा। इवन सबसे बड़ा होता है कि पैसों में भगवान को देखना। जैसे अगर आप देखोगे कि इंडिया के कल्चर में भी, अगर हम अभी के ट्विन फ्लेम के नॉलेज को भी भूल जाएं, तो भी डीप हमारे कल्चर में ही जो लक्ष्मी माता है, राइट, हमने तब मतलब हमें जान के भी ना जान के भी हमने तभी से पैसों को उनका मतलब उनका दान या उनका तरफ से हमारे लिए गिफ्ट या क्या बोलते हैं उनकी वजह से ही हमको वो मिलता है। हम पहले से ही मानते आए हैं, राइट, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, राइट। तो पैसों को भी पूजा होती है, राइट। तो अगर आप पैसों को भगवान की तरह देखोगे, पैसों को एक एनर्जी के तरह देखोगे, कि पैसा वो एनर्जी है जिसको आप किसी को देते हो और उस एनर्जी के बदले में जो आपको चाहिए वो आपको मिलता है। कि अगर देखो आपको खाना चाहिए तो आपके पास जो पैसे हैं उसको वो एनर्जी की तरह आपने दिया और वो फूड आपने लिया जो आपके बॉडी को नरिश करेगा, राइट। तो वो एक्सचेंज का जो जरिया है वो पैसा है, तो वो एक एनर्जी है, राइट। तो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, सिंपल। तो ये जो बैलेंस है इस चीज़ दोनों के डायनामिक को समझ के और इसको हारमोनी में ला के, पीसफुली ला के, एक सिंपल स्टेबल लाइफ में लाना, इसी को ही हारमोनियस यूनियन बोलते हैं। और ये पाथ जो हमको दिखा रहे हैं अभी वो है डिफरेंशियलिया, राइट। वो उन्होंने ऑलरेडी ये स्पिरिचुअल पाथ को पहले तो अपने लिए किया और अभी वो गिफ्ट जो है, जो उन्होंने जो भी उस प्रोसेस में गॉड से चैनलिंग करके जो भी सीखा वो अभी उनके स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जो भी उनको अपने टीचर की तरह मान रहे हैं, तो उनको वो नॉलेज मिल रहा है। और मैंने जैसे उनको चूज़ किया अपने टीचर की तरह, तो रियली उनका जो टीचिंग है मेरे लाइफ के बहुत बड़े बड़े सिचुएशन जिसमें मुझे लगता था कि मैं ट्रैप हूँ, इसके सिवा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वो सब निकल गए। इवन ये जानना कि मैं मास्कुलाइन एनर्जी हूँ, इट वाज नॉट पॉसिबल। मतलब मैं पहले से ही स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ लेकिन मुझे कभी भी ये चीज़ नहीं पता चलता जो मुझे इनके इनर वर्क के थ्रू पता चला, राइट। तो ये इनर यूनियन होता है कि जो आप ऑथेंटिकली अपने अंदर हो उसके साथ आप कनेक्ट होते हो, और जो भी आपके डिसबिलीफ है, जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है ग्रो करने में, जो आपको आगे बढ़ने में नहीं सपोर्ट कर रहा है, जो आपको असेंड होने में नहीं सपोर्ट कर रहा है, उस चीज़ को आप पीछे छोड़ते हुए जाते हो, राइट। आप एक्चुअली बॉडी लेवल से ऊपर उठ के जो आपका एनर्जी है उस लेवल पे आप कनेक्ट होना स्टार्ट होते हो, ओके। तो ये यूनियन होता है, आप आपके एनर्जी के साथ, आप आपके ट्रू एसेंस के साथ कनेक्ट होते हो। और जब वो आप कोर में चूज़ करते हो कि मुझे अपने ट्रू एसेंस के साथ कनेक्ट होना है, ट्रू एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, तो उसी एनर्जी का ही पार्ट होते हैं आपके ट्विन फ्लेम, तो वो नेचुरली आपके साथ हार्मोनियस यूनियन में आते हैं। लेकिन ये पहले एक बिलीफ से स्टार्ट होता है कि हाँ, मुझे मेरे ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन में जाना है, क्योंकि यही वो पाथ है जिससे एक तो आप स्पिरिचुअल भी होते हो और आपको एक पृथ्वी पे स्टेबल जो लाइफ है, एक नॉर्मल लाइफ, एक दूसरे के साथ बिताने का एक्सपीरियंस जो है, वो कहीं ना कहीं आप ही ने पैदा होने से पहले ही कोर में चूज़ किया रहेगा। इसलिए आप ये हार्मोनियस यूनियन आप पृथ्वी पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा कि ये पसंद है,
हो सकता है, जैसे मुझे पसंद है कि हाँ मुझे, मेरे लिए मेरा कोर एनर्जी फैमिली है, राइट। तो इसीलिए अभी भी देखोगे तो मेरे फैमिली अभी भी जुड़े हैं इतना सारा कुछ होने के बाद भी। लेकिन अगर अगर मैंने अगर इनर वर्क के बिना किया होता तो हो सकता है कि, मतलब जैसे पहले के ज़माने में होता था कि स्पिरिचुअलिटी मतलब सब छोड़ो और माउंटेन्स में जाओ या कहीं पे भी जाओ, तो वो नहीं करना है। आपको संन्यास नहीं लेना है, आप एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी और एक लाइफ का एक्सपीरियंस एक साथ ले सकते हो। तो ये कोर एसेंस होता है कि गॉड के साथ यूनियन में आना, और ये वो स्पिरिचुअल पाथ है जिसमें आप लिटरली आपके ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल रिलेशन भी रख सकते हो। आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो भी आपको लाइफ एक्सपीरियंस करना है, जो भी मटेरियल चीज़ पॉजेस करना है विथ डिवाइन गाइडेंस, वो सब कुछ कर सकते हो। और ओबियसली सबसे बड़ा चीज़ होता है आप आपका लाइफ पर्पस आपके ट्विन फ्लेम के साथ जीते हो। इसीलिए लोग इतना अपने ट्विन फ्लेम को चूज़ करते हैं, क्योंकि अगर अभी के लाइफ और रिलेशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा सफरिंग में एम्बेडेड है, राइट। अगर हस्बैंड हैं वो अगर मटेरियल में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो उनको रिलेशनशिप में इतना अटेंशन देने का कोई डिज़ायर ही नहीं रहता, वो देते भी नहीं है। और उनका रहता है फोकस के काम करना और पैसे कमाना। फैमिली वो पूरा छोड़ देते हैं, जैसे कि वो फेमिनिन का ही डिपार्टमेंट है, मतलब फेमिनिन है मतलब वो सिर्फ घर का काम करेगी और ये करेगी। लेकिन जो ट्विन फ्लेम का यूनियन का जो लाइफ है वो ऐसा रहता है कि वो दोनों बराबर के होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मास्कुलिन मतलब सिर्फ पैसा कमाएंगे और ये करके लाएंगे और फेमिनिन मतलब सिर्फ घर का काम करेंगे, नहीं। ये जो रिलेशन होता है वो बराबर का होता है, दोनों बराबरी से, क्योंकि भगवान ने पैसा का जो सोर्स है वो हर किसी इंसान को दिया है। हर किसी इंसान के पास अपना पैसा कमाने का रास्ता और क्या किस तरह से पैसा कमाए वो भगवान ऑलरेडी उनके अंदर दे रखा है, चाहे आप फेमिनाइन हो या आप मास्कुलाइन हो। सिर्फ ये होता है कि आप उसको पहचानो कि आपको वो क्या काम है जो भगवान ने आपको बनाया है, वो कौन सा काम करने के लिए, और आप वो काम करो और आपको उसके थ्रू पैसे मिलेंगे, राइट। तो पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना भी आप भगवान से पूछ के करते हो कि मैं क्या करूं जिससे मुझे पैसे मिलेंगे, राइट। तो ये डिफरेंस कि एक दूसरे दोनों मिलके पैसे कमाएं या दोनों मिलके एक काम करें और दोनों मिलके किस तरह से अपने लाइफ को सजाएं, कि कोई चीज़ अगर लाना है तो भी दोनों में, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जो हार्मोनियस यूनियन में है जैसे हम सुनते हैं, तो दोनों मिलके मेडिटेट करते हैं ताकि दोनों का जो भी ड्रीम है, जो दोनों के मन में, जब वैसे भी दोनों के मन में सेम डिज़ायर रहते हैं, तो दोनों का चीज़ अगर मिला के वो कंप्लीट फुलफिलमेंट जो होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके मिलता है। तो अगर जैसे देखोगे कि अभी जैसे मेरा घर खरीदने का डिज़ायर है लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ, ताकि ना मुझे वो घर में चाहिए कि जो मेरे डिज़ायर्स हैं और जो मेरे ट्विन फ्लेम के डिज़ायर्स हैं वो दोनों मिलके वो जो घर दिखेगा वो मुझे मैनिफेस्ट करना है, राइट। तो इस तरह से आप आपके क्रिएट करते हो अपना यूनियन और यूनियन से अपना लाइफ, और ये आपके चॉइस पे है। कोई भी दूसरे इंसान का ओपिनियन उसमें मैटर नहीं करता। अगर आप दूसरे इंसान के ओपिनियन पे डिपेंड करते हो तो वो मत करो। अगर आप दूसरे इंसान के ओपिनियन पे डिपेंड करते हो, मतलब जो आपका कनेक्शन गॉड के साथ है वो आप ऑनर नहीं कर रहे हो। इसीलिए मुझे जेफिन शिलिया का काम इतना अच्छा लगा कि वो आपके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देते हैं, या आपको कोई बिलीफ सिस्टम नहीं देते हैं, या आपको कोई नया रिलीजन नहीं सिखाते हैं। वो सिर्फ इतना करते हैं कि आपका हीलिंग कराते हैं मिरर एक्सरसाइज के थ्रू, और जैसे ही आपके अंदर वो हीलिंग हो जाती है, जैसे ही वो सफरिंग ख़त्म हो जाती है, वो पेन ख़त्म हो जाता है, तो आप एक गॉड के साथ कनेक्शन फील करते हो, और तभी आप भगवान को पूछते हो कि भगवान मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनने से अच्छा लगेगा, वो सब कुछ भगवान आपने मुझे बनाया है तो मुझे किस लिए बनाया है, तो वो सब कुछ आप भगवान के साथ करना स्टार्ट करते हो। ऐसा लगता है कि जैसे आप भगवान के साथ ही जी रहे हो। तो ये डिफरेंस है कि इसीलिए मतलब हर एक इंसान का भी ट्विन फ्लेम जर्नी यूनिक रहता है,
कि आप क्या क्या ब्लॉक्स पास करके या ब्लॉक्स हील करके अपने हारमोनियस यूनियन में जाओगे, वो भी आपका एक इनर जर्नी रहता है। और आपके ब्लॉक्स क्या भी हैं वो भी आपको अंदर से गॉड बताते हैं कि जैसे आप अगर एक ब्लॉक हील किए तो आप नेक्स्ट ब्लॉक क्या है आप भगवान को पूछ सकते हो कि भगवान मुझे मेरे ब्लॉक दिखाओ, भगवान मुझे मेरे ब्लॉक को हील करने का रास्ता दिखाओ, भगवान मुझे इस ब्लॉक को हील होने में जो सपोर्ट चाहिए वो मुझे बताओ, राइट। तो ये सब चीज़ आप ये आपके साथ करना स्टार्ट करो कि जैसा लगना चाहिए कि जैसे भगवान आपके साथ ही हैं हर वक्त। और आपका अगर कोई भी चीज़ करना है एक बार भगवान से पूछो और देखो आपके दिल में क्या फील होता है। अगर दिल में अच्छा लगा तो मतलब हाँ है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, अगर नहीं दिल को नहीं अच्छा लगा मन में नहीं अच्छा लगा तो फिर नहीं ये पाथ नहीं है मेरा, राइट। सिंपली फिर वहीं पे छोड़ देना है उसको, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। जो आपके लिए अच्छा है वो भगवान आपको ला के देंगे, वो ट्रस्ट रखिए। अगर उनको भगवान आपसे ज़्यादा भगवान को पता है कि आपके ट्विन फ्लेम और आपके हारमोनियस यूनियन में आने के बाद इस धरती पे जो वाइब्रेशनल चेंज होगा वो इस धरती का अभी का रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप आपके हारमोनियस यूनियन के लिए परेशान मत हो, ये भगवान का बहुत बड़ा पर्पस है, तो वो अपने आप दोनों को लेके आएंगे। सिर्फ आप इतना करो कि जो आपके अंदर पेन हो रहा है या आपके अंदर ग्रीफ है या आपको कुछ स्ट्रगल हो रहा है या कोई सफरिंग है वो सब पिछले ब्लॉक की वजह से क्रिएट हुआ है, सिर्फ उतना हील करो, क्योंकि जितना जल्दी आप हील होगे उतना जल्दी आप भगवान को रिसीव कर पाओगे, है ना। क्योंकि अगर अंदर भरा हुआ है दुख और सैड मतलब सैडनेस ग्रीफ तो फिर आप भगवान के लिए जगह कहाँ है, राइट। अगर भगवान अंदर भी हैं तो आप उनको तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही अंदर जाते हो कहीं ना कहीं दुख है, कहीं ना कहीं सफरिंग है, तो जैसे ही आप सिर्फ वो वैसे भी वो ऊपर के ही डस्ट होते हैं, तो जैसे आप हील करते हो तो वो धूल जैसे ही निकल जाएगा तो आपको नेचुरली गॉड के साथ कनेक्शन फील होता है और फिर आपको गॉड गाइड करते हैं, अंदर से आपको गाइडेंस आता है, अंदर से गाइडेंस आता है कि मैं क्या करूँ नेक्स्ट, है ना। और सपोर्ट क्लेम करो क्योंकि सपोर्ट से जल्दी होता है, अच्छा लगता है सपोर्ट लेना और कोई साथ में रहता है आपके साथ हील होने के लिए, है ना। किसी और का एक लविंग एनर्जी जब आपको मिलता है तो आप फास्ट हील होते हो। ओके, थैंक यू।